2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का गठन हो चुका है। बीती रात विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। जो CCS मंत्रालय है वो सभी बीजेपी ने अपने पास रखा है। मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद अब सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर के पद पर जाकर टिक गई हैं कि आखिरकार मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का लोकसभा स्पीकर कौन होगा। TDP लोकसभा स्पीकर का पद मांग चुकी है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के लिए डी पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा जोर शोर से है। इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि NDA सरकार है। तमाम कयासों के बीच इस बार लोकसभा का स्पीकर का पद किसकी झोली में जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी खुद भी ये पद अपने ही पास बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम आगे किया गया है, जिस पर नायडू भी सहमत हो सकते हैं। नायडू इसीलिए सहमत हो सकते हैं क्योंकि डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। बीजेपी यहां एक तीर से दो निशाने लगा रही है। पद भी बीजेपी के पास रहेगा और इधर नायडू भी खुश रहेंगे। इधर इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद TDP के पास जाता है तो वो समर्थन देने के लिए तैयार है। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राजस्थान के कोटा से सांसद रहे ओम बिरला ने स्पीकर की कुर्सी संभाली थी। माना जा रहा है कि इस बार भी इनकी दावेदारी प्रबल है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है डी पुरंदेश्वरी, जिनका नाम लोकसभा स्पीकर के लिए सियासी गलियारों में छाया हुआ है। कौन है डी पुरंदेश्वरी? डी पुरंदेश्वरी TDP के संस्थापक NT रामाराव की बेटी है। TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली है। नायडू ने 1996 में जब NT रामाराव का तख्ता पलट किया था तब पुरंदेश्वरी ने उनका समर्थन किया था। डी पुरंदेश्वरी ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में मनमोहन सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। 2012 में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुई। अभी आंध्र प्रदेश में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। डी पुरंदेश्वरी महिला मोर्चा की भी रही हैं प्रभारी। 2020 में उन्हें ओडिशा का प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ की भी प्रभारी रह चुकी हैं। पुरंदेश्वरी को कहा जाता है साउथ की सुषमा स्वराज। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से हैं। ओम बिरला मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में रिकॉर्ड हैं। अपनी कार्यशैली के कारण भाजपा सहित विरोधी दलों में भी ओम बिरला की अच्छी पैठ है। नरेंद्र मोदी के दोनों ही कार्यकाल 2014 और 2019 में लोकसभा स्पीकर का पद भाजपा के पास रहा है। 2014 में इस पद पर सुमित्रा महाजन रही जबकि 2019 में ये पद ओम बिरला को दिया गया। लिहाजा 2024 में ये पद किसको दिया जाता है ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।